Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje is caught in the middle of a controversy involving the former IPL Commissioner Lalit Modi may be safe for now. As sources say, the PM and the party have decided to back her. Yesterday, Raje flew to Delhi to attend a meeting of Niti Aayog, but she did not meet Prime Minister Narendra Modi or Party Chief Amit Shah. However, she later claimed none of the meetings were scheduled. But sources say the fact that Vasundhara Raje attended the Niti Aayog meeting is a signal that the Prime Minister is also backing her. However, the opposition is continuing its relentless attack on the Chief Minister and her party, demanding that she should step down till a probe is completed into the whole affair and how she helped Lalit Modi stay in London. And just a short while back, Deputy Editor Smita Sharma spoke with opposition leader Ashok Gehlot, and this is what he had to say about the backing coming forth for Vasundhara Raje from her party. Advani ji कहते हैं कि मैंने उस वक्त वो फैसला खुद लिया था. वाजपेयी जी कह रहे थे इस्तीफा मत दो, और वो ये भी कहते हैं कि मेरी आज की तारीख में कोई पोजीशन नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ. क्या वो अपनी ही बात कर रहे हैं या इशारा कहीं और है? इशारा समझने वाले को समझना चाहिए, और ये बात हकीकत है. हम लोग भी उस वक्त में पार्लियामेंट में थे कि अडवाणी जी के रिश्ते पे हुए थे. तो मेरा मानना है कि ये नैतिकता और मॉरल की जब बात करते हैं तो इसमें बिना वक्त गंवाए हुए खुद को आगे आके इससे बदलना पड़ता है. चाहे कोई समझाइश भी करे तब भी अपनी बात पे अडिग रहते आए हैं. जो अडवाणी जी ने कहा है वो गोविंदाचार्य जी ने कहा है. अब खाली भागवत जी का कहना बाकी रह जाए तो ये तो इशारा होता है, मोर देन सफिशियंट होता है समझदार के लिए. तो ये इशारा तो खास करके जब हम वसुंधरा राजे की बात करें या सुषमा स्वराज की बात करें, ये तो आडवाणी जी के करीब भी रहे हैं. सुषमा स्वराज की अगर मैं बात करूं तो इन नेताओं को यहाँ से संकेत ले लेना चाहिए. मेरे ख्याल लेना चाहिए, बल्कि मैंने यहां तक कहा कि एक बार तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए. इनकी गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर, ये आरोप नहीं लगा सकते कांग्रेस की सरकार है. पता नहीं कैसी जांच होगी. अगर जांच में आप पांच साल निकल जाओ तो आप पुनः मुख्यमंत्री बन जाओ. मैंने तो यहाँ तक कहा, पर एक बार नैतिकता का तकाजा आया कि अविलंब इस्तीफा होना चाहिए, मेरा मानना है. आडवाणी जी, इसके पहले भी जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था इमरजेंसी पर, दो टूक कई सारी बातें कही थी कि आज के माहौल को लेकर आज भी वो आश्वासन नहीं मिलता कि इमरजेंसी नहीं लगेगा दूसरी बार देश में. तब भी वो हालांकि बाद में मुकर गए थे, कहा था कि नहीं, मैं तो कांग्रेसियों से जो है माफी मांगने के लिए कह रहा था. आज वो बात करते हैं इस तरीके से, अनैतिकता की बातें करते हैं. नरेंद्र मोदी खामोश है, मन की बात करते हैं लेकिन दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं. और नरेंद्र मोदी जी की काम करने की स्टाइल बिल्कुल दूसरी लगती है, और वो इसलिए इतने बड़े मुद्दे के बावजूद भी आज पूरा देश समझ रहा था कि आज जो मुद्दा बन चुका है उस पर वो अपनी बात मन की बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा सबके सामने बन चुका है. पूरा मुल्क जिसकी बार बार वो दुहाई देते थे, 125 करोड़ की आबादी की बात करते थे, आज वो 125 करोड़ आबादी उनसे अपेक्षा करती थी कि वो जो इश्यू बन गया उस पर हाँ ना कुछ भी कहे. उस पर उन्होंने बात नहीं करके वो मुद्दे उठाए जो ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट के हो सकते हैं, पर ये मुद्दा ऐसा है जो उनकी सरकार की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न हमारे चिन्ह लगाता है. उस पर एक शब्द नहीं बोलना, मैं समझता हूँ सबको निराश किया उन्होंने. सर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे चुनाव प्रचार के दौरान लगातार मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहते रहे. अब जबकि जब एक के बाद एक कभी किसानों का मुद्दा होता है, कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है, उनकी पार्टी का कहना है कि भाई हम तो सिर्फ विकास पर ध्यान देना चाहते हैं, विपक्ष जो उल जुलूल हम पर आरोप लगाए उसका जवाब देना हर वक्त जो है जरूरी नहीं. देखिए, आरोप तो उन्होंने भी लगाए थे हमेशा, तो कांग्रेस ने इतिहास गवाह है, लंबी फहरिस्त थे आजादी के बाद से लगा के अभी तक की, कि जब कभी कोई इश्यू बना है आरोप लगे हैं, आरोप ही लगे खाली, तब भी कांग्रेस ने बिना समय गंवाए हुए या तो खुद ने आगे आगे इस्तीफे दिए हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री थे, चाहे माधवराव सिंधिया थे, और या इस्तीफे लिए गए हैं. ये मैंने देखा है नैतिकता आधार मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे लिए गए हैं या दिए गए हैं. कांग्रेस के अंदर अश्विनी कुमार जी थे, पवन कुमार बंसल जी थे, शशि थरूर थे, सबके इस्तीफे हुए हैं, और तो और मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी का इस्तीफा हुआ है. तो आज ये जो शुचिता की बात करते हैं, चाल चरित्र चेहरे के लिए इन्होंने अपने आप को आगे रखा देश के अंदर, हमारी पार्टी बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी पार्टियों से, उन सबकी पोल खुलती जा रही है इनकी,
परतें उगरती जा रही है और वैसे ये कितनी बात कर लो पब्लिक कन्विंस होने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं, चाहे वो मॉरिशियस रूट से जो पैसा आया है वो तो कागजों के अंदर है, तब भी आप उसके ऊपर सफाई देते फिर रहे हो सर। लेकिन उसमें एक और जो आखिरी सवाल, जो आखिरी मुद्दा उठाना चाहूंगी, सुषमा स्वराज ने जिस तरीके से मदद की ललित मोदी की, इसको लेकर पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल खड़े किए थे, वही सवाल एक याचिकाकर्ता ने आरटीआई के जरिए विदेश मंत्रालय को भेजे थे, लेकिन उनका जवाब देने से जो है मंत्रालय मुकर गई है, ये कह रही है कि या तो वो हमारे क्षेत्र से बाहर है या तो दूसरे विभागों से जुड़े हुए मामले हैं। ये इनकी सोच दर्शाता है, क्योंकि इतना गर्मा गया मुद्दा, उसके बाद में विदेश मंत्रालय अगर ये बात कहता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी बजाय वो अपना व्यूज अपनी टिप्पणी दे सकता था, हाँ और ना के अंदर। जो आरटीआई कानून बना हुआ है उससे आप कब तक बच सकते हो, या नहीं तो अपील भी होती है, तो इस प्रकार का जवाब टालम टोल जवाब के रूप में मानता हूँ। और ये मुद्दा इस प्रकार गर्मा गया है कि फैसला कुछ भी हो पर जनता की निगाह में फैसला दिमाग में हो चुका है, जनता की जनमानस में फैसला हो चुका है।